हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है एक बार फिर से आपका वी स्टार एजुकेशन यूट्यूब चैनल पे। और आज के लेक्चर में हम बात करेंगे पोस्ट ट्रांसक्रिप्शन मॉडिफिकेशन में कैपिंग के बारे में, क्योंकि इससे पहले ऑलरेडी मैं आपको फर्स्ट लेक्चर करवा चुका हूँ जिसमें मैंने आपको पोस्ट ट्रांसक्रिप्शन मॉडिफिकेशन का मतलब क्या होता है, प्रोसेसिंग का मतलब क्या होता है, वहाँ पर सब कुछ बताया था। तो ये आपका सेकेंड लेक्चर है, इस बात को मत भूलना, ठीक है ना। और आज का हमारा इम्पोर्टेंट टॉपिक क्या है, कैपिंग, ठीक है। तो देखिए, मैंने आपको फर्स्ट लेक्चर में काफ़ी कुछ बताया था। मैंने आपको बताया था कि जो आपकी पोस्ट ट्रांसक्रिप्शन मॉडिफिकेशन है वो आपका प्रोकैरियोटिक में परफॉर्म होता है या फिर यूकैरियोटिक में परफॉर्म होता है, ठीक है ना। बहुत डिटेल में हमने बात की थी। अगर यूकैरियोटिक में होता है तो यूकैरियोटिक में ही क्यों होता है, प्रोकैरियोटिक में क्यों नहीं होता है, ये भी हमने डिस्कस किया था। इसके बाद फिर हमने बात की थी कि अगर आपकी पोस्ट ट्रांसक्रिप्शन मॉडिफिकेशन हो रहा है, ठीक है, आरएनए की प्रोसेसिंग हो रही है, तो उसमें कौन कौन से स्टेप होते हैं, क्या क्या हमें करना पड़ता है, मैंने आपको वहाँ पर बताया था, यानी कि इससे पिछली क्लास में, आई थिंक काफ़ी दिन हो गए हैं तो आप शायद भूल ना गए हो, तो एक बार उसको देख लेना, ठीक है ना। तो मैंने आपको बताया था कि 5' पे आपकी कैपिंग होती है, 3' पे आपका पॉलीएडिनाइलेशन होता है, एंड स्प्लाइसिंग में क्या काम करते हैं, जो इंट्रोन होता है उसको रिमूव, उसको हम कंबाइन करते हैं, और जो आपका एक्जोन होता है उसको हम बाहर निकालते हैं, यानी कि एग्जिट करते हैं। E4 एग्जिट याद रख लेना, I4 इंट्रोन, यानी कि ये आपका इन रहेगा, यानी कि ये अंदर रहेगा, ठीक है ना। तो आज का जो हमारा मेन टॉपिक है वो है आपका कैपिंग। फिर इसके बाद हम आरएनए एडिटिंग को भी पढ़ेंगे, सबसे पहले कैपिंग पढ़ेंगे, फिर स्प्लाइसिंग, फिर पॉलीएडिनाइलेशन, फिर आपका आरएनए एडिटिंग, देखेंगे कि आरएनए एडिटिंग कैसी होती है, ठीक है। तो आज का हमारा मेन टॉपिक है कैपिंग। अब देखो, कैपिंग की ज़रूरत क्यों पड़ती है वो आपके लिए जानना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है, ठीक है ना। क्योंकि सवाल आता है ना कि कैपिंग की ज़रूरत क्यों होती है, कैपिंग है क्या बेसिकली। तो कैपिंग का मतलब होता है टोपी पहनाना। टोपी पहनाने का मतलब ये नहीं कि एक शो आता है तारक मेहता का उल्टा चश्मा, देखिए सुंदर लाल टोपी पहनाता है, वो वाली टोपी नहीं। ये टोपी होती है आपकी जो है किसी चीज़ को कवर करना, और मैंने आपको बताया है कि कवर किसको करेगा, 5' को, यानी कि ये 5' को कवर क्यों करता है, क्वेश्चन ये आता है। तो देखो भाई साहब, मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि मान लो ये आपकी यूकैरियोटिक कोई सेल है, ठीक है ना, ये आपकी यूकैरियोटिक कोई सेल है, इसके अंदर आपका एक न्यूक्लियस पाया जाता है, एंड इस न्यूक्लियस में ही आपका रेप्लिकेशन, इस न्यूक्लियस में ही आपका ट्रांसक्रिप्शन होता है। ट्रांसक्रिप्शन में आपको यहाँ पर क्या मिलेगा, प्री एमआरएनए मिलेगा, यानी कि एक एमआरएनए इस प्रकार से बना हुआ मिलेगा। अगर ये एमआरएनए, पहली बात, अगर इसमें हम कैपिंग स्प्लाइसिंग, अगर ये आपका यूकैरियोटिक सेल है तब मैं आपको बता रहा हूँ, इस बात को मत भूलना। अगर इसमें हम स्प्लाइसिंग, पॉलीएडिनाइलेशन, कैपिंग, आरएनए एडिटिंग ये प्रोसेस ना करें, ये प्रोसेसिंग ना करें, तो ये जो आपका एमआरएनए है ये इस न्यूक्लियस से बाहर नहीं जा सकता, इस न्यूक्लियस से बाहर नहीं जा सकता। और अगर बाय चांस चला गया, किसी भी रेयर कंडीशन में चला गया, तो ये जो यूकैरियोटिक का साइटोप्लाज्म होता है यहाँ पर काफ़ी सारे एक्जोन्यूक्लिएज काम करते हैं, ठीक है ना, काफ़ी सारे एक्जोन्यूक्लिएज काम करते हैं, एंडोन्यूक्लिएज वर्क करते हैं। अब जैसे ही मान लो ये अगर बाहर आ गया, ये अगर एमआरएनए प्रीमैच्योर आरएनए अगर आपका बाहर आ गया, तो ये तुरंत डिग्रेड हो जाएगा, तुरंत ही इसकी कहानी समाप्त हो जाएगी, ठीक है ना। तो यानी कि हमको ये जो आपका एमआरएनए बना है इसको प्रोटेक्टिव करना है, इसको बचाना है कि बाहर आकर के डिग्रेड ना हो, जिस काम के लिए आया था वो काम परफॉर्म करें, ठीक है ना। तो ये हमको करना है। अब यहाँ पर फर्स्ट स्टेप आपका आता है कैपिंग, ठीक है ना। फर्स्ट स्टेप कौन सा आता है आपका, कैपिंग। कैपिंग को हम बड़े ही डिटेल में पढ़ेंगे कि कैपिंग क्या होता है। मैंने आपको पहले भी बता रखा है कि कैपिंग आपकी 5' एंड पर होती है, ठीक है ना। सेकंड स्टेप आपका यहीं पर, इसको प्री मैच्योर से मैच्योर एमआरएनए बनाने के लिए क्या आएगा, जिसको हम बोलते हैं स्प्लाइसिंग, ठीक है ना। स्प्लाइसिंग, स्प्लाइसिंग में मैंने आपको बताया था कि जो आपके इंट्रोन हैं, जो आपके इंट्रोन हैं वे तो आपस में लाइगेट हो जाएंगे, एंड जो आपके एग्जोन हैं वे आपके रिमूव होकर के बाहर चले जाएंगे, ठीक है ना। ये प्रोसेस भी देखेंगे कि किस प्रकार से एग्जोन रिमूव होते हैं, डिटेल में देखेंगे, ठीक है ना।
अब इसके बाद थर्ड प्रोसेस हम पॉलीएडेनाइलेशन करेंगे, ठीक है ना। थर्ड प्रोसेस हम पॉलीएडेनाइलेशन करेंगे। देखो जैसे इसका नाम बता रहा है पॉलीएडेनाइलेशन, एडेनाइलेशन यानी कि हम जो थ्री प्राइम होता है, जो आपका थ्री प्राइम होता है, थ्री प्राइम पे काफ़ी सारे एडेनिन जो न्यूक्लियोटाइड है उसको अटैच करवाते हैं, ठीक है ना, उसको हम अटैच करवाते हैं। ये होता है आपका थ्री प्राइम पे। इसके बाद नंबर फोर्थ प्रोसेस हमारा हम पढ़ते हैं इसी में ही आपका, वैसे ये फोर्थ प्रोसेस जो होता है आपका स्प्लाइसिंग का होता है, ठीक है ना, बट इसको हम अलग से पढ़ते हैं जिसको हम बोलते हैं आरएनए एडिटिंग। अब इस आरएनए एडिटिंग की ज़रूरत हमें क्या पड़ी है, ठीक है ना। आप फोटो, किसी भी फ़ोटो को एडिटिंग करते हो ना, किसी वीडियो को एडिटिंग करते हो, तो सेम यहीं पर होगा आपका, जो आरएनए हो वो आपका एडिटिंग करा जाएगा, ठीक है ना, पूरा का पूरा एडिटिंग करा जाएगा, जिससे कि आरएनए बाहर जब ये साइटोप्लाज्म में जाएगा तो ये किसी भी फंक्शन को परफॉर्म कर सके, ठीक है ना। क्यों होता है आगे बात करेंगे। आज का मेन टॉपिक कैपिंग है, तो कैपिंग को समझ लेते हैं कि कैपिंग क्या होता है, कुछ फैक्ट जानेंगे कैपिंग के बारे में, उसके बाद फिर इसको समझेंगे कि ये किस प्रकार से आपका परफॉर्म होता है, ठीक है ना। तो देखो कैपिंग इज़ द फर्स्ट प्रोसेसिंग इवेंट ऑफ प्री एमआरएनए। जो कैपिंग होता है ये आपका फर्स्ट प्रोसेसिंग इवेंट होता है, ठीक है ना। तो सबसे पहले आपका कैपिंग होता है प्री एमआरएनए। प्री एमआरएनए में जब हम प्रोसेसिंग करते हैं, प्रोसेसिंग से आपको एमआरएनए यानी कि मैच्योर आरएनए मिलता है, एंड इस मैच्योर आरएनए को बनाने के लिए फर्स्ट इवेंट आपका कैपिंग ही होता है, ठीक है ना। सेकेंड, इन विच ए 7 मिथाइल ग्वानिल न्यूक्लियोटाइड कॉल्ड कैप इज लिंक्ड एट ए 5 प्राइम एंड ऑफ एमआरएनए इन वेरी अर्ली स्टेज ऑफ ट्रांसक्रिप्शन। क्या बोल दिया है इसने सेकंड स्टेप में कि आपका मान लो ये कोई आपका ये एमआरएनए है, ये इसका 5 प्राइम है। अब इस 5 प्राइम पे 7 मिथाइल ग्वानिल आकर के आपका अटैच हो जाता है, ठीक है ना। और ये जो आपका 7 मिथाइल ग्वानिन आकर के अटैच हुआ, एक्चुअल में यही आपका कैप की तरह काम करता है। आप देखते हो ना जब सिर पे आप कोई कैप लगाते हो तो वो कैप आपको किस किस चीज़ से बचाता है। एक तो आपको डायरेक्ट सनलाइट से बचाता है, ठीक ना, कि जो आपके गर्मियों में आपने देखा होगा कि सनलाइट डायरेक्ट आपके सिर पे ना पहुँचे, तो कैप उस चीज़ से बचाता है। तो ये सेम काम ये कर रहा है कि आपको ये एंजाइम से बचा रहा है, वो भी एक्जोन्यूक्लियस से। और ये कैपिंग होती कब है, तो बिफोर द एडिशन ऑफ 20-30 न्यूक्लियोटाइड इन इट्स ट्रांसक्रिप्ट, यानी कि जब आपका ट्रांसक्रिप्शन चल रहा होता है। देखो मैंने आपको ट्रांसक्रिप्शन पूरा पढ़ा दिया, मैंने आपको पढ़ाया रेप्लिकेशन क्या होता है, ट्रांसक्रिप्शन क्या होता है, अब इसके बाद ट्रांसलेशन बचेगा। ट्रांसक्रिप्शन में भी आपके तीन पार्ट मैंने आपको बताए थे, एक था आपका इनिशिएशन, ठीक है ना, सेकंड था आपका इलोंगेशन, ठीक है ना, एंड नंबर थर्ड था आपका टर्मिनेशन, ठीक है ना, तो जब आपका इलोंगेशन चल रहा होता है, एंड इस इलोंगेशन में भी देखो यहाँ पर समझो, मान लो ये कोई आपका डीएनए, ठीक है ना, ये आपका कोई डीएनए, अब डीएनए से ये एमआरएनए बनना स्टार्ट हुआ, ठीक है ना। तो जैसे ही इस एमआरएनए में मिनिमम 52 यहाँ पर याद रख लेना 52-25 न्यूक्लियोटाइड आकर के अटैच होंगे, ठीक है ना, 52-25 न्यूक्लियोटाइड आकर के अटैच होंगे, वैसे ही ये कैपिंग प्रोसेस जो है स्टार्ट हो जाएगा, बट इस कैपिंग प्रोसेस के लिए क्या ये अपने आप ही स्टार्ट हो जाता है, तो ऐसा नहीं है कि ये अपने आप स्टार्ट हो जाएगा। मैंने इससे पिछले वाले लेक्चर में आपको बताया था कि अगर मैं यहाँ पर बात करूँ आरएनए पॉलीमरेज सेकंड के बारे में, ठीक है ना, तो इसकी ये जो टैल होती है इसको बोलते हैं सीटीडी, यानी कि कार्बोक्सिलिक टर्मिनल डोमेन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब यहाँ पर क्या होगा, जैसे ही आपके 15-25 न्यूक्लियोटाइड आते हैं, यहाँ पर एक एंजाइम्स आ जाएगा, इसके सेरीन पोर्शन पे, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पर एक एंजाइम्स आया जिसको हम बोलेंगे कैपिंग एंजाइम्स, जिसको क्या बोलेंगे हम, कैपिंग एंजाइम्स के नाम से जानेंगे, ठीक है ना। और देखो जब सीटीडी पे आपका फास्फोराइलेशन होता है सेरीन पे, और सेरीन पे कौन सा फैक्टर कब फास्फोराइलेटेड करता है, ये बातें मैं आपको बता चुका हूँ गाइस,
तो पिछला लेक्चर देखना आपके लिए इसलिए ज़रूरी हो जाता है, आपको पता लगेगा कि कैपिंग एंजाइम्स कब आकर के अटैच हो रहा है, ठीक है ना। कैपिंग एंजाइम्स इस CTD पर कब आकर के अटैच हो रहा है, और ये जो आपका कैपिंग एंजाइम्स है ये ही आपका रेस्पॉन्सिबल होता है इस कैपिंग के लिए, ठीक ना, इस कैपिंग के लिए। बट ये जो कैपिंग एंजाइम्स है ये तब तक यहाँ पर आकर के अटैच नहीं होगा जब तक कि CTD का जो सेरीन पोर्शन है वो यहाँ पर आकर के फास्फोराइलेटेड ना हो। मैंने आपको एक हेप्टापेप्टाइड चैन बताया था कि CTD में एक हेप्टापेप्टाइड चैन होता है जो फास्फोराइलेशन होता है वो सेकंड पोजीशन एंड फिफ्थ पोजीशन पे होता है। सेकंड पोजीशन पे होगा तो क्या होगा और कौन सा फैक्टर है उसको करवाएगा, और अगर फिफ्थ पोजीशन पे हो रहा है तो क्या होगा एंड कौन सा फैक्टर उसको आपका आकर के आपका जो है फास्फोराइलेटेड करवाएगा, ये सारी बातें मैं आपको बता चुका हूँ। इम्पोर्टेंट है, पिछला लेक्चर नहीं देखा रिविजन रिकॉल करो, यहाँ पर मैं अब आपको दोबारा नहीं बताऊँगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर इसके बाद क्या होगा, द कैप इज द फेयरली कॉम्प्लेक्स एंड डिस्टिंग्विश्ड बाय ए यूनिक 5' to 5' बॉन्डिंग। और यहाँ पर ये जो कैपिंग होता है, ये जो कैपिंग होती है इसमें एक यूनिक बॉन्डिंग होती है, इसमें एक यूनिक बॉन्डिंग होती है जिसको हम 5' to 5' बोलते हैं। सारी चीज़ समझेंगे, एक एक शब्द यहाँ पर जो लिखा हुआ उसको हम समझेंगे कि किस प्रकार से आपकी 5' to 5' बॉन्डिंग बनती है। द कैप एंड द इनिशिएशन न्यूक्लियोटाइड ऑफ mRNA, ठीक है ना। जब आपका इनिशिएशन होता है उसके तुरंत बाद ही ये आपका जो है स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। तो इतनी बात समझनी आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। देखो इसको दोबारा से समझो, देखो कहीं भगदड़ नहीं आ रही, कहीं की भागना नहीं है, हमें टॉपिक चाहे आप 100 में से 50 टॉपिक याद करो लेकिन वे ऐसे याद करो कि उनको कभी मत भूलना, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पर दोबारा से इसको पढ़ो कि कैपिंग इज़ द फर्स्ट प्रोसेसिंग इवेंट ऑफ pre-mRNA, यानी कि pre-mRNA का फर्स्ट प्रोसेस या फिर फर्स्ट स्टेप होता है। इन विच ए 7-methylguanine, क्या कौन सा मिथाइलिन, 7-methylguanine न्यूक्लियोटाइड कॉल्ड कैप, इसको ही कैप बोला जाता है 7-methylguanine को। 7-methylguanine न्यूक्लियोटाइड कॉल्ड कैप इज लिंक्ड एट द 5' एंड ऑफ mRNA इन वेरी अर्ली स्टेज ऑफ ट्रांसक्रिप्शन बिफोर द एडिशन ऑफ 20 to 30 न्यूक्लियोटाइड इन ट्रांसक्रिप्ट। द कैप इज फेयरली कॉम्प्लेक्स एंड डिस्टिंग्विश्ड बाय ए यूनिक 5' to 5' बॉन्डिंग बिटवीन द कैप एंड इनिशिएशन न्यूक्लियोटाइड ऑफ mRNA, ठीक है ना। यानी कि यहाँ से हमारी समझ में ये आता है कि जो कैप नाम की बला है ये होती है आपकी 7-methylguanine, ठीक है ना, 7-methylguanine। और ये आपकी कब अटैच हो जाती है, जब आपके न्यूक्लियोटाइड कम से कम 20 से 30 न्यूक्लियोटाइड आपके आपस में अटैच होकर के mRNA बनाना स्टार्ट कर देते हैं, यानी कि इलोंगेशन फेज में, ठीक है ना। और यहाँ पर एक यूनिक बाइंडिंग पाई जाती है जब ये कैप आपका जुड़ता है 5' से, जब ये कैप आपका जुड़ेगा 5' एंड से जुड़ेगा तब यहाँ पर एक यूनिक बाइंडिंग बनेगी जिसको हम 5' to 5' बाइंडिंग बोलते हैं। हम देखेंगे, मैं भी आपको बताऊंगा कि किस प्रकार से। अब देखो मैंने आपको CTD का यहाँ पर कैपिंग एंजाइम्स बता दिया है कि कैपिंग एंजाइम्स आपका कहाँ पर जुड़ेगा। अब इस कैपिंग प्रोसेस के लिए हमको 3 एंजाइम्स की ज़रूरत पड़ने वाली है, ठीक है ना, 3 एंजाइम्स की ज़रूरत पड़ेगी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और हमें क्या ज़रूरत पड़ने वाली है, हमें बाहर से, ठीक है ना, हमें बाहर से GTP की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है ना, GTP की ज़रूरत पड़ेगी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये GTP हो सकता है या फिर GDP हो सकता है, याद रख लेना, GDP भी हो सकता है या फिर ये आपका GMP भी हो सकता है, GMP भी हो सकता है। यानी कि इस कैपिंग को परफॉर्म करने के लिए हमें 3 एंजाइम्स की ज़रूरत पड़ेगी, आपका या तो GTP हो, GDP हो, GMP हो, इनकी ज़रूरत हमें पड़ने वाली है, ठीक है ना। तो अब इसका हम प्रोसेस देखेंगे, बट प्रोसेस को पढ़ने से पहले हम एक क्वेश्चन और हमारे दिमाग में आता है कि सर कैपिंग के फंक्शन क्या है, एक्चुअल फंक्शन क्या है, क्यों हम कैपिंग पढ़ रहे हैं, क्यों हम इसमें अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं, ठीक है ना। तो मैं कहूँगा कि बिल्कुल आपको कैपिंग के फंक्शन पता होने बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं। तो यहाँ पर देखो 1 by 1 हम इसके फंक्शन को समझेंगे। देखो चीज़ों को समझना है, चीज़ों को समझना है, रटना नहीं है।
अगर आप एक साल के बाद भी इसको पढ़ोगे ना कैपिंग को, तो आपके समझ में आना चाहिए कि यार कैपिंग की पोजीशन क्या होती है, कैपिंग क्यों परफॉर्म करते हैं, कैपिंग के स्टेप क्या होते हैं, कितने एंजाइम्स की जरूरत पड़ती है, कैपिंग कैप क्या होता है। तो ये सारी बातें आपको पता होनी चाहिए अगर आप एक साल के बाद भी इसको देख रहे हो तो। ठीक है, तो चलिए आइए फंक्शन देख लेते हैं कि इसके फंक्शन क्या होते हैं। तो फर्स्ट फंक्शन होता है कि कैप प्रोटेक्ट 5' एंड ऑफ mRNA फ्रॉम डिग्रेडेशन बाई 5' टू 3' एक्सोन्यूक्लिएज। यानी कि ये जो कैप होता है ये प्रोटेक्ट करता है 5' एंड को बाय द डिग्रेडेशन ऑफ 5' टू 3' एक्सोन्यूक्लिएज। यानी कि ये 5' टू 3' एक्सोन्यूक्लिएज से डिग्रेडेशन नहीं होने देता। इतनी बात समझ में आ गई, बहुत अच्छी बात है। सेकंड समझो कि कैप इज इम्पोर्टेंट फॉर एफिशिएंट इलोंगेशन टर्मिनेशन ऑफ ट्रांसक्रिप्शन एंड सबसेक्वेंट प्रोसेसिंग ऑफ mRNA विद इन न्यूक्लियस। यानी कि जब आपका मान लो ये कोई आपका न्यूक्लियस है, जब यहाँ पर आपका mRNA का फॉर्मेशन हो रहा होता है, जब आपका mRNA का फॉर्मेशन हो रहा होता है, तो यहाँ पर जब आपका ये कैपिंग आकर के बाइंड हो जाता है, ये कैपिंग यहाँ पर बाइंड हो जाता है, तो इस mRNA को ये स्टेबिलिटी प्रोवाइड कराता है। स्टेबिलिटी वेरी वेरी इम्पोर्टेंट, ये आपका स्टेबिलिटी प्रोवाइड कराता है, स्टेबिलिटी प्रोवाइड कराता है। अब जैसे ही इसको स्टेबिलिटी मिलती है तो यहाँ पर इलोंगेशन होना स्टार्ट हो जाता है। ठीक है ना, इलोंगेशन होना स्टार्ट हो जाता है। अब इलोंगेशन होगा उसके बाद टर्मिनेशन होगा, तो कहीं ना कहीं टर्मिनेशन के लिए भी ये रेस्पॉन्सिबल होता है। यानी कि इलोंगेशन एंड टर्मिनेशन के लिए ये रेस्पॉन्सिबल होता है। इसके बाद नेक्स्ट समझो कि कैप प्ले इम्पोर्टेंट रोल इन द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ mRNA फ्रॉम द न्यूक्लियस टू साइटोप्लाज्म। यानी कि ये जो आपकी कैपिंग हुई है, अब ये कैपिंग क्या करेगी, अब जैसे ही ये कैपिंग होती है तो जो आपका mRNA बनेगा, ये मान लो mRNA बनेगा और यहाँ पर ये इसकी मैंने कैपिंग बना दी, अब ये बाहर आने में, यानी कि ये आपका न्यूक्लियस है एंड ये आपका साइटोप्लाज्म है, तो ये न्यूक्लियस से बाहर आएगा तो इसके लिए कैपिंग की ज़रूरत बहुत ज़्यादा होती है। ठीक है ना, कैपिंग की ज़रूरत बहुत ज़्यादा होती है। क्यों, वो मैंने आपको बता दिया है कि साइटोप्लाज्म में आपके काफ़ी मात्रा में एंजाइम्स पाए जाते हैं जो कि इस mRNA को, mRNA ये क्या है, ये प्रोटीन एंड RNA है। ठीक है ना, ये प्रोटीन सॉरी ये आपका RNA है यानी कि न्यूक्लियोटाइड है, तो RNA के लिए यहाँ पर RNAs पाए जाते हैं साइटोप्लाज्म में। ठीक है ना, ऐसे ही आपका कोई भी, देखो हर चीज़ आपकी व्यवस्थित रूप से है, यानी कि सेल एक सिस्टमेटिक रूप से आपका जो है कार्य को परफॉर्म करता है। ठीक है ना, अगर वो थोड़ा सा भी एरर देखेगा तो तुरंत वो अपना जो है इम्यूनो सिस्टम स्टार्ट कर देगा, तो इसलिए कैपिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। ठीक है ना, कैप आल्सो रिक्रूट द राइबोसोम्स टू बाइंड mRNA। देखो लास्ट वाले लाइन का मतलब समझो कि जब आपका ये आपका मान लो RNA बाहर आ गया, ठीक है ना, ये आपका RNA इस साइटोप्लाज्म में आ गया, आपको पता होगा कि आपका जो ट्रांसलेशन प्रोसेस है वो साइटोप्लाज्म में परफॉर्म होता है। रेप्लिकेशन ट्रांसक्रिप्शन ये आपका न्यूक्लियस में, पोस्ट ट्रांसक्रिप्शन मॉडिफिकेशन भी आपका न्यूक्लियस में होगा, जबकि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट जो ट्रांसलेशन होता है वो आपका साइटोप्लाज्म में परफॉर्म होता है। अब यहाँ पर क्या होगा, जैसे ही आपका ये साइटोप्लाज्म में mRNA आएगा तो ये आपका जाकर के अटैच होगा राइबोसोम से। ठीक है ना, फैक्ट्री ऑफ प्रोटीन, ठीक है ना, राइबोसोम्स को हम फैक्ट्री ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस भी बोलते हैं। ठीक है ना, तो ये जाकर के अटैच होगा राइबोसोम से। अब आपको पता होगा कि राइबोसोम्स में एक स्मॉल यूनिट होती है, एक आपकी लार्ज यूनिट होती है। ठीक है ना, लार्ज सब यूनिट। ठीक है ना, अगर यूकैरियोटिक में बात करेंगे तो ये, अगर यहाँ पर मैं बात करूँ तो आपका जो है 60-50 का। ठीक है ना, जब हम राइबोसोम्स देखेंगे तब इसको देखेंगे। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं राइबोसोम से अटैच होने के लिए भी इस कैपिंग की रिक्वायरमेंट पड़ती है। तो आई होप अब आपकी समझ में फंक्शन आए होंगे। ठीक है ना, यहाँ पर आपको स्टेबिलिटी वाला फंक्शन नहीं भूलना गाइज, स्टेबिलिटी वाला फंक्शन आगे आपको जब हम टर्मिनेशन पढ़ेंगे, जब हम आगे देखेंगे तो इम्पोर्टेंट आपको पता लगेगा कि स्टेबिलिटी का मतलब यहाँ पर क्या होता है। ठीक है ना, तो अब हमने कैपिंग के बारे में जान लिया है कि कैपिंग में कैप किसको बोला जाता है। ठीक है ना, कैप बोलते हैं 7-methyl guanine को।
अब हम देखेंगे कि इसके स्टेप कितने होते हैं। मैंने आपको बताया है कि आपको तीन एंजाइम्स की जरूरत पड़ेगी, एक जीटीपी की जरूरत पड़ेगी एंड दूसरा आपको जीएमपी की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पर कुछ और बातें आप समझो कि अगर मान लो ये आपका mRNA है, ठीक है ना, प्री मैच्योर mRNA है, तो इसका जो ये 5' होगा, ये 5' एंड 3' होगा। तो अगर इसका मैं ये फर्स्ट न्यूक्लियोटाइड यहाँ पर बनाऊँ, ये फर्स्ट न्यूक्लियोटाइड, ये इसका सेकंड न्यूक्लियोटाइड, ये आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ, ये इसका थर्ड न्यूक्लियोटाइड। तो अगर मैं यहाँ पर फर्स्ट न्यूक्लियोटाइड को लेकर के चलूँ, साउंड बैकग्राउंड साउंड आ रहा होगा उसको ज़रा थोड़ा इग्नोर करना, ठीक है ना। तो अगर मैं यहाँ पर आपका जो है फर्स्ट न्यूक्लियोटाइड को लेकर के चलूँ, तो मैं उसको कुछ आपको इस प्रकार से बनाने की कोशिश करता हूँ, ठीक है ना। थोड़ा हंसना मना है, ठीक है ना। तो ये आपका जो है फर्स्ट न्यूक्लियोटाइड मैं यहाँ पर बना रहा हूँ। तो यहाँ पर ये एक क्या जुड़ा हुआ होता है आपके, आपको भी पता है यहाँ पर ये नाइट्रोजन बेस है, ये आपका नाइट्रोजन बेस है, ये आपका शुगर है, ठीक है ना, ये आपका शुगर है एंड इससे ये आपके फॉस्फेट जुड़े हुए होते हैं, ठीक है ना, फॉस्फेट। और 5' पे जो फॉस्फेट होता है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये ट्राई फॉस्फेट होता है। ये कैसा होता है, ट्राई फॉस्फेट होता है, ठीक है ना। तो ये आपका फर्स्ट न्यूक्लियोटाइड है, ये आपका कैसा है, फर्स्ट न्यूक्लियोटाइड है। अगर ये जो, अगर मैं इसको नाम देना चाहूँ न्यूक्लियोटाइड का, तो ऑन द बेसिस ऑफ नाइट्रोजन, अगर ये आपका एडेनिन है, ये अगर आपका एडेनिन है नाइट्रोजन बेस, तब हम इसको बोलते हैं ATP, आपका एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट, ठीक है ना, एडेनिन बोल देते हैं। अगर ये आपका यूरेसिल है, ठीक है ना, तब हम इसको बोलते हैं यूरेनोसिन ट्राइफॉस्फेट, ठीक है ना। अगर आपका जी है, अगर आपका यानी कि ग्वाइनिन है, तब इसको हम GTP बोल देते हैं, ग्वाइनिनिल ट्राइफॉस्फेट। इतनी बात पता चली, बहुत अच्छी बात है। अब ये फर्स्ट जो है न्यूक्लियोटाइड बनाया, लेकिन जब यहाँ पर आप सेकंड न्यूक्लियोटाइड जोड़ोगे, ये आपका 3' OH रहता है एंड ये आपका 2' होता है, ठीक ना, 2' हाइड्रोजन होता है, DNA की बात कर रहा हूँ मैं यहाँ पर। तो यहाँ पर जो आपका फॉस्फेट जुड़ता है, तब वहाँ पर आपको केवल और केवल एक फॉस्फेट ही देखने को मिलता है, दो फॉस्फेट आपके जो है रिमूव हो जाते हैं, ठीक है ना, दो फॉस्फेट रिमूव हो जाते हैं। लेकिन ये कब, जब आपका सेकंड न्यूक्लियोटाइड होता है। तो हमें यहाँ पर सेकंड न्यूक्लियोटाइड से कोई मतलब नहीं है, हमें केवल फर्स्ट न्यूक्लियोटाइड के साथ समझना है कि फर्स्ट न्यूक्लियोटाइड में आपका क्या हो रहा है, ठीक है ना, फर्स्ट न्यूक्लियोटाइड में यहाँ पर आपका क्या हो रहा है। तो देखो अब इसको समझो, स्टेप नंबर फर्स्ट पर चलते हैं कि स्टेप नंबर फर्स्ट क्या है। तो न्यूक्लियोटाइड का ये हमने 5' का फॉस्फेट पहला न्यूक्लियोटाइड उठा लिया। अब यहाँ पर ये फॉस्फेट लगे हुए हैं, इसको बोलते हैं अल्फा, इसको बोलते हैं बीटा एंड इसको बोलते हैं गामा, ठीक ना, इसको बोलते हैं गामा। तो यहाँ पर पहला एंजाइम्स वर्क करेगा जिसको हम बोलते हैं 5' ट्राइफॉस्फेटेज, या फिर इसको हम दूसरे नाम से भी जानते हैं जिसको हम बोलते हैं RNA ट्राइफॉस्फेटेज, ठीक ना, RNA ट्राइफॉस्फेटेज। तो इस बात को याद रख लेना। अब जैसे ये 5' ट्राइफॉस्फेटेज आएगा, ये क्या काम करेगा, ये जो आपका फर्स्ट न्यूक्लियोटाइड है इस 5' पे, उसका जो ये गामा पोर्शन है, ये जो गामा फॉस्फेट है, इसको बाहर निकाल देगा, इसको रिमूव कर देगा, यानी कि रिमूव द गामा फॉस्फेट, ये गामा फॉस्फेट को रिमूव करेगा। तो यहाँ से जैसे ही ये गामा फॉस्फेट निकलेगा, यानी कि यहाँ से एक फॉस्फेट रिमूव हो जाएगा, किस एंजाइम्स की सहायता से हो रहा है, एंजाइम्स का नाम इम्पोर्टेंट है, याद रख लेना, ट्राइफॉस्फेटेज, ठीक है ना। तो अब यहाँ पर क्या बचता है 5' पे, देखो ये आपका 5' है, इस बात को मत भूलना, ठीक है ना, ये आपका 5' है। यहाँ पर बचा है हमारा अल्फा एंड बीटा, यहाँ पर हमारा अल्फा एंड बीटा बचा है। इतनी बात समझ में आ गई, बहुत अच्छी बात है। ये था हमारा स्टेप नंबर फर्स्ट, जहाँ पर हमने अपने गामा फॉस्फेट को रिमूव किया है बाय द हेल्प ऑफ 5' ट्राइफॉस्फेटेज, ठीक है ना। सेकंड स्टेप पर चलते हैं। सेकंड स्टेप क्या होता है कि देखो भाई साहब, अब सेकंड स्टेप के लिए हमें एक एंजाइम्स की ज़रूरत पड़ेगी एंड GTP की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है ना, एक एंजाइम्स की जरूरत पड़ेगी, जिस एंजाइम का नाम है आपका ग्वाइनिनिल ट्रांसफरेज, ठीक है ना, जिस एंजाइम्स का नाम है ग्वाइनिनिल ट्रांसफरेज।
जैसे कि इसका नाम बता रहा है कि ग्वाइनिल ट्रांसफरेज, ये किसी भी ग्वाइनिल जो ग्रुप होगा उसको ट्रांसफ़र करेगा, उसको ट्रांसफ़र करेगा। ट्रांसफ़र कहाँ पर करेगा? से ये ट्रांसफ़र करेगा आपका 5' के, देखो ये 5' था, 5' में ये अल्फा था पहला वाला, ये बीटा था, ठीक है ना, ये आपका बीटा था। तो ये जो आपका, देखो मैं आपको थोड़ा सा पहले GTP समझा देता हूँ, अब ये किस प्रकार से मैकेनिज्म करेगा वो मैं आपको समझा देता हूँ। तो मैं दोबारा से यहाँ पर आपका एक पेंटोज शुगर बनाऊँगा, ठीक है ना, ये आपकी एक पेंटोज शुगर हो गई, ठीक है। यहाँ पर मैं आपका इस पे जोड़ दूँगा एक नाइट्रोजिनस बेस, एक नाइट्रोजिनस बेस ये बना देता हूँ मैं आपका, आपके लिए ग्वाइनिन, ठीक है ना, यानी कि आपका जो है जी बन गया है। अब यहाँ पर ये आपका ट्राईफेस फॉस्फेट, क्योंकि हम GTP को लेकर के चल रहे हैं, ठीक है ना, GTP को लेकर के चल रहे हैं, यानी कि 3 फॉस्फेट आपके यहाँ पर लगे हुए होंगे। एंड इन तीनों का भी नाम क्या होगा? अल्फा बीटा गामा, अल्फा बीटा गामा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो यहाँ पर जब ये GTP आएगा तो अब क्या होगा, जो रिएक्शन होगी वो डायरेक्ट, अब ऐसा तो है नहीं कि ये GTP आकर के यहाँ पर इससे अटैच हो जाएगा, ऐसा नहीं होगा। इसमें यहाँ पर GTP में भी थोड़ी सी प्रोसेसिंग होगी, ठीक है ना। GTP में क्या प्रोसेसिंग होगी कि जो इसका ये अल्फा ग्रुप है, जो इसका ये अल्फा ग्रुप है, एक्चुअल में ये जा कर के अटैक करेगा इस फॉस्फेट के इस बीटा प्राइम पे, ठीक है ना, बीटा फॉस्फेट पर। नहीं समझे दोबारा से समझो, कोई बात नहीं। आपके पास एक GTP था, GTP हमने दिया, ठीक है ना, GTP हमने दिया, इसके साथ साथ हमने ग्वाइनिलिन ट्रांसफरेज एक एंजाइम्स को भी दिया। अब ये ग्वाइनिलिन ट्रांसफरेज क्या काम करेगा? ये काम करेगा कि जो GTP है, GTP में से आपके गामा एंड बीटा, ये जो गामा एंड बीटा फॉस्फेट है, इनका तो रिमूवल कराएगा ये, ठीक है ना, इनको ये रिमूवल कराएगा, ठीक है ना, इनका रिमूवल कराएगा। एंड जो आपका अल्फा प्राइम है, ये जो आपका अल्फा है, इस अल्फा को इस बीटा फॉस्फेट से जोड़ेगा, ठीक है ना। तो ये काम कराएगा आपका ग्वाइनिलिन ट्रांसफरेज। अब एक बात इम्पोर्टेंट देखो यहाँ पर, कि जो आपका ये GTP है, ये जो आपका GTP है, इसका ये 5' है, इसका ये 5' है, ठीक है ना, इसका ये 5' है, ये 5' जाकर के अटैक कर रहा है 5' पे, ये 5' GTP का 5' जाकर के अटैक कर रहा है 5' पे, ठीक है ना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो यहाँ पर जो बॉन्डिंग होगी वो आपकी 5' to 5' बॉन्डिंग बनेगी, ठीक है ना, 5' to 5' बॉन्डिंग बनेगी। अब आपको पता चला होगा कि 5' to 5' बॉन्डिंग किस प्रकार से बन रही है, ठीक है ना। यानी कि यहाँ पर क्या करा, जैसे ही हमने ग्वाइनिलिन ट्रांसफरेज दिया एंड GTP दिया, यहाँ से 2 PI, ये जो 2 PI निकलेंगे ये आपके GTP से निकलेंगे, याद रख लेना। ये जो आपके 2 फॉस्फेट ग्रुप निकलने हैं ये आपके GTP से निकलने हैं, इस बात को मत भूलना, ठीक है ना। यानी कि अटैच GMP, अब जैसे ही दो आपके 2 PI निकल जाते हैं तो ये GMP बचता है, एंड ये जो GMP होता है ये अटैच GMP to 5' end, यानी कि इस 5' end पे जाकर के आपका जो है अटैक करता है। तो यहाँ पर देखो, जैसे ही हम इसको जोड़ेंगे तो ये आपका इतना पोर्शन जो है, ये पोर्शन आपका GMP का है एंड ये पोर्शन आपका न्यूक्लियोटाइड का है। अब यहाँ पर एक स्पेसिफिकली बात और मैं आपको बता देता हूँ कि आपका जो 5' end है उसका आपका अल्फा एंड बीटा फॉस्फेट होता है, ठीक है ना, जबकि जो GTP होता है इसका आपका अल्फा फॉस्फेट होता है। तो कभी कभी पूछा जाता है कि आपका जो कैपिंग होता है वहाँ पर फॉस्फेट कौन कौन से होते हैं, तो अब आपको पता लग गया है कि आपके अल्फा बीटा एंड अल्फा बीटा अल्फा आपके फॉस्फेट होते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट गाइज, ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि जब आपकी कैपिंग होती है तो वहाँ पर कौन से आपके जो है वो फॉस्फेट ग्रुप होते हैं, ठीक है ना, फॉस्फेट ग्रुप कौन से होते हैं, उनके नाम क्या होते हैं। तो आई होप ये सेकंड प्रोसेस भी आपको समझ में आया होगा। देखो यहाँ पर सीधी सी बात है, यहाँ पर अटैच हो रहा है, और ये जो आपकी बॉन्डिंग बनती है ये न्यूक्लियोफिलिक अटैक से बनती है। ये कैसा बनती है? न्यूक्लियोफिलिक अटैक से बनती है। तो ये आपका स्टेप नंबर 3 था। अब एक इसका लास्ट स्टेप बचता है जिसको बोलते हैं हम आपका जो है
ट्रांसफरेज, ठीक है ना, मिथाइल ट्रांसफरेज। यहाँ पर आपके एक्चुअल में क्या, एक्चुअल में क्या होगा कि 7 प्राइम पे, ठीक है ना, आपकी 7 पोजीशन के जो आपने ग्वानिनिल जोड़ा है उसकी 7 पोजीशन पे मिथाइल ग्रुप आकर के अटैच होता है, ठीक है ना। वो देखो कैसे कैसे होगा वो देखो। तो यहाँ पर एक एंजाइम्स काम करता है जिसको बोलते हैं मिथाइल ट्रांसफरेज। क्या बोलेंगे? मिथाइल ट्रांसफरेज। जैसे कि इसका नाम बता रहा है, यानी कि यहाँ पर कोई भी CH3 मैंने आपको बता रखे हैं कि किस ग्रुप को किस प्रकार से हम डिनोट करते हैं, यानी कि CH3 ग्रुप का ट्रांसफ़र होगा। और ये जो CH3 ग्रुप का ट्रांसफ़र होता है ये आपका एडिनोसाइलेट, मैं यहाँ पर अगर इसको पूरा लिखना चाहूँ यहाँ पर मैं आपके लिए लिख देता हूँ, वैसे तो आगे लिखा हुआ है, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। एडिनोसाइलेट एडेनिन, ठीक है ना, एडेनिन नहीं है, सॉरी, ये मैथ्योनिन है, ठीक है ना, मैथ्योनिन है ये। एडिनोसाइलेट एल मैथ्योनिन, ठीक है ना। तो यहाँ से आपका जो है मिथाइल ग्रुप आएगा, ठीक है ना, मिथाइल ग्रुप आएगा। एंड ये मिथाइल ग्रुप आपका, याद रखो, कोई टीचर ऐसा नहीं बताता, यहाँ पर आपको एक चीज़ नई सीखने को मिलेगी, आज तक आपने नहीं पढ़ा होने का, ठीक है ना, ये मेरा आपसे वादा है। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर जो मैथ्योनिन होता है, ये मैथ्योनिन आपका कहाँ पर आकर के अटैच होगा, जो नाइट्रोजिनस बेस है वहाँ पर आकर के अटैच होगा। एंड नाइट्रोजिनस बेस के भी जो 7 पोजीशन है वहाँ पर आकर के अटैच होगा। मैंने आपको बायोकेमिस्ट्री में बताया था कि कैसे कैसे इसको हम काउंट करते हैं, ठीक है ना, कैसे कैसे हम इसको काउंट करते हैं। मान लो ये आपका एडेनिन है, ठीक है ना, ये आपका एडेनिन है। यहाँ पर पोजीशन जब आप गिनोगे, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5 एंड ये 6 एंड ये आपकी 7 आ जाती है। तो इस 7 पोजीशन पे आपका मिथाइल ग्रुप आकर के अटैच होता है बाय द हेल्प ऑफ मिथाइल ट्रांसफरेज। और ये मिथाइल ग्रुप कहाँ से आता है? एडिनोसाइलेट एल मैथ्योनिन से, ठीक है ना। और जब यहाँ पर मिथाइल ग्रुप आकर के अटैच हो जाता है तब आपका एडिनोसाइलेट एल मैथ्योनिन कन्वर्ट हो जाता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट गाइज, एडिनोसाइलेट, ठीक है ना, इसको याद रख लेना, एडिनोसाइलेट एल होमोसिस्टिन, ये आपसे पूछा जा चुका है, एडिनोसाइलेट होमोसिस्टिन आगे लिखा हुआ है, ऐसी कोई वरी करने की बात नहीं है, ठीक है ना, होमोसिस्टिन में ये आपका चेंज हो जाता है। और क्वेश्चन यहीं से आते हैं, ठीक है ना, क्वेश्चन यहीं से आते हैं कि जब आपका एडिनोसाइलेट एल मैथ्योनिन किसी भी मैथ्योनिन ग्रुप का ट्रांसफ़र करता है तो वो बाद में किस रूप में चेंज हो जाता है, ठीक है ना, तो वो चेंज होता है आपका एडिनोसाइलेट एल होमोसिस्टीन में, ठीक है ना, सिस्टीन में आपका वो चेंज हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर CH ग्रुप यानी कि मिथाइल ग्रुप आकर के अटैच हो जाता है, ठीक है ना। तो ये तो आपका फर्स्ट मिथाइलेशन था, ये आपका फर्स्ट मिथाइलेशन था। अब यहाँ पर एक सेकंड मिथाइलेशन भी होता है। एक्चुअल में जो कैपिंग होती है वो कैपिंग है इस 7 मिथाइलेशन पे ही करते हैं, ठीक है ना, एक्चुअल में कैपिंग यही है। लेकिन इसकी स्टेबिलिटी बढ़ाने के लिए हम सेकंड कैपिंग भी इसमें करते हैं, और वो कैपिंग आपकी होती है, और उसकी लोकेशन आपसे क्वेश्चन में पूछी जाती है। तो लोकेशन आपको याद रखनी है, देखो वहाँ पर भी जो आपका मैथ्योनिन आएगा वो एडिनोसाइलेट एल मैथ्योनिन से आएगा, लेकिन लोकेशन डिफरेंट हो जाती है। लोकेशन आपकी हो जाती है राइबोसोम्स, ये वाली, ठीक है ना, राइबोसोम्स का जो सेकंड प्राइम है, ये आपका सेकंड प्राइम है, सेकंड प्राइम पे आकर के आपका मिथाइल ग्रुप अटैच हो जाता है, ठीक है ना। ये भी आपका मिथाइल ट्रांसफरेज एंजाइम सी, इसमें भी आपका यही हेल्प करता है। यानी कि फर्स्ट आपका जो है मिथाइलेशन कहाँ पर हो रहा है? 7 ग्वानिन पे। एंड आपका सेकंड मिथाइलेशन कहाँ पर हो रहा है? सेकंड राइबोज पे, ठीक है ना, सेकंड राइबोज पे आपका मिथाइलेशन हो रहा है। इतनी बात याद रखनी है। अब देखो, जैसे ही आपका ये आपका प्रारूप आ जाता है 5 प्राइम पे, ये 5 प्राइम का फर्स्ट न्यूक्लियोटाइड है, ठीक है ना, 5 प्राइम का
फर्स्ट न्यूक्लियोटाइड है, इस बात को याद रख लेना। अब कैपिंग में आपका ये सब कैपिंग में आ जाता है, ये इतना जो है कैपिंग में आपका आ जाता है, ठीक है ना। तो इसको ही आपका कैपिंग प्रोसेस बोलते हैं, इसको ही कैपिंग प्रोसेस आपका बोला जाता है। आइए इसको एक बार और समझ लेते हैं अच्छे से, ठीक है ना, अच्छे से समझ लेते हैं, आपके समझ में और अच्छे से आएगा। कि स्टार्टिंग में क्या हुआ कि जैसे ही आपका इलोंगेशन स्टार्ट होता है, वहाँ पर आपके 20 से 25 न्यूक्लियोटाइड, याद रख लेना 20 से 25, देखो अलग अलग बुक में अलग अलग न्यूक्लियोटाइड है, किसी में 15 से 30 दे रखे, किसी में 15 से 25, किसी में 20 से 25। चूँकि मैं चार बुकों से पढ़ता हूँ, ठीक है ना, चार बुकों से पढ़ने के बाद मैं आपको मटेरियल प्रोवाइड कराता हूँ, इस बात को याद रख लेना। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्या है कि जैसे 20 से 25 न्यूक्लियोटाइड आपके आकर के अटैच हो जाते हैं mRNA से, तो यहाँ पर जो RNA होता है ये आपका RNA सेकंड है, ठीक है ना, ये क्या है, ये आपका RNA सेकंड है, इस बात को याद रख लेना। इस RNA सेकंड के जो CTD होता है, यानी कि जो आपकी CTD पोजीशन होती है, जो टैल होती है, वहाँ पर एक एंजाइम्स जा करके जुड़ जाता है, जिसको बोलते हैं हम कैपिंग सिंथेसाइजिंग एंजाइम्स या फिर कैपिंग एंजाइम्स, ठीक है ना। और ये कब जुड़ता है, जब सेरिन पे फास्फोराइलेशन होता है तब। अब जैसे ही ये जुड़ता है तब वैसे ही ये प्रोसेस आपका स्टार्ट हो जाता है कैपिंग का। तो सबसे पहले जो आपका एंजाइम्स होता है उसको बोलते हैं फास्फोहाइड्रोलेज, फास्फोहाइड्रोलेज या फिर ट्राइफॉस्फेटेज भी बोल देते हैं, ठीक है ना। इसका मेन काम क्या होता है कि ये जो आपका 5' पे फर्स्ट न्यूक्लियोटाइड जो है उसमें से गामा, देखो यहाँ पर अल्फा बीटा गामा, थोड़ी अपनी क्वालिटी बढ़ा लेना, ठीक है ना, अल्फा बीटा गामा, ये जो आपका अल्फा होता है इसको यहाँ से रिमूव किया जाता है बाय द हेल्प ऑफ फास्फोराइलेज, ठीक है ना, या फिर फास्फोहाइड्रोलेज, ठीक है। तो आपको इतनी बात याद रखनी है। इसके बाद सेकंड नंबर पे क्या होता है, सेकंड नंबर पे एक एंजाइम्स आता है जिसको हम बोलते हैं ग्वानिनिल ट्रांसफरेज, ग्वानिनिल ट्रांसफरेज, प्लस इसके साथ GTP भी आती है, ठीक है ना, प्लस इसके साथ आपका GTP भी आती है। अब GTP चेंज होती है GMP में बाय द हेल्प ऑफ, जब ये दो फॉस्फेट ग्रुप डोनेट कर दे, यानी कि ये दो फॉस्फेट ग्रुप को अपने अंदर से निकाल दे, तब ये GMP में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है ना। यानी कि ये अगर GTP थे, ये अगर GTP था, तो यहाँ से देखो अल्फा बीटा गामा लगा हुआ था इस पर, अब ये बीटा एंड गामा को अपने अंदर से निकाल देता है, यानी कि दो PI को निकाल देता है, एंड अब ये आपका खाली जी अल्फा बच जाता है। क्या बच जाता है, जी अल्फा आपका खाली ये बच जाता है। अब यहाँ पर आपका थर्ड एंजाइम्स आता है जिसको हम बोलते हैं ग्वानिनिल 7 मिथाइल ट्रांसफरेज, ग्वानिनिल 7 मिथाइल ट्रांसफरेज। ये क्या काम करता है, ये एडिनोसाइलेट एल मैथ्यूनिन से आपका मैथ्यूनिन ग्रुप को लेगा, एंड उसको जो आपका नाइट्रोजिनस बेस है उसके 7' पे जा करके ये अटैक करवा देगा। यहाँ पर मैंने इसको एडेनिन बताया था, ये एक्चुअल में एडेनिन नहीं, ये आपका ग्वानिन है, ठीक है ना, ये आपका ग्वानिन है, ये आपका क्या है, ग्वानिन है, इस बात को याद रख लेना। तो यहाँ पर ये आपका जो है ग्वानिन पे जा करके, जो आपका ग्वानिन बना है उस पर जा करके 7 पोजिशन पे मिथाइल ग्रुप को ऐड कर देता है आपका ग्वानिनिल ट्रांसफर, सॉरी मिथाइलिन ट्रांसफरेज, ठीक है ना। तो ये आपका फर्स्ट मिथाइलेशन होता है। सेकंड मिथाइलेशन में आपको याद रखना है, सेकंड प्राइम पर आपका मिथाइलेशन होता है, इसके लिए सेकंड प्राइम ओ मिथाइल ट्रांसफरेज एंजाइम्स की ज़रूरत पड़ती है। ये भी आपका सेम एडिनोसाइलेट एल मैथ्यूनिन से आपका जनरेट होता है, और ये आपका कन्वर्ट हो जाता है एडिनोसाइलेट होमोसिस्टिन, ठीक है ना। अब मैंने काफ़ी बार बोल दिया, अब आपको पता लग गया होगा कि एडिनोसाइलेट एल होमोसिस्टिन, इस बात को याद रख लेना। फिर आपका M7GPPPPNNP ये आपका बन जाता है, और एक्चुअल में यही आपकी कैपिंग होती है। तो अब आपको कैपिंग के बारे में पता लगा कि आपका कैपिंग में क्या क्या
हो रहा है, ठीक है ना। अब आपको पता लगा कि कैपिंग में क्या क्या हो रहा है, फंक्शन मैंने इसको बताए दिए हैं, ठीक है ना, कि आपके को क्या क्या फंक्शन होते हैं। तो ये कैपिंग को मैं यहीं पर आपका समाप्त करता हूँ। आई होप आपकी समझ में ये तीनों के तीनों स्टेप आए होंगे कि स्टेप नंबर फर्स्ट में क्या हो रहा है, स्टेप नंबर सेकंड में क्या हो रहा है, स्टेप नंबर थर्ड में क्या हो रहा है, ठीक है ना। तो ये आपके समझ में आए होंगे, फंक्शन समझ में आए होंगे। तो अब नेक्स्ट क्लास में आपसे मिलते हैं स्प्लाइसिंग के लिए कि आपका स्प्लाइसिंग किसको बोलते हैं। दोस्तों तब तक के लिए टाटा एंड बाय बाय।